मैं जुबैर फारूक एक बार फिर से आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद अर्ज़ियानो करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जिंदगी, बांकर ब्लॉग्स की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दक्षिण का फूड पॉइंट। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मॉर्निंग नाश्ता पॉइंट आपको क्या क्या दे रहा है, स्मॉल सेटअप्स है, स्मॉल बिजनेस है, मौजूद में कहाँ पे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की लोकेशन की बात की जाए तो सादिकाबाद की सब्जी मंडी के मैं मौजूद हूँ, सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने कहा एक नाश्ते का फूड पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। नाश्ते में जो है ना क्या खास बात है, बहुत सारे फूड पॉइंट होते हैं लेकिन ये थोड़ा एक ना होम फूड का, घर का बना हुआ फूड था। मैंने कहा चले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ पर एक उमदा किस्म का टेस्ट आप यहाँ पर देखेंगे। सब्जी मंडी पहुंचे भाई नाश्ता करने के लिए, चलिए लाहौरी नाश्ता पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। ये बिल्कुल सामने गेट है मंडी का, बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट उस तरफ भी गेट है। आप जब इंटर होते हैं मस्जिद के साथ तो आपने वहाँ से राइट हो जाना है। आप जब वहाँ से राइट होंगे तो फिर आपको ये वाला गेट मिलेगा। आप जब इंटर होकर थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर लाहौरी नाश्ता पॉइंट मिलेगा। उमदा किस्म के आपको यहाँ पर जो है ना वो चने चने दिए जा रहे होते हैं लाहौरी तरस के बने हुए, और देर का नाश्ता दिया जा रहा होता है। चिकन कोफ्ते जो है ना हमारे सामने आ चुके हैं, मैंने कहा चलें इसको गौर से देखें। हाय 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 क्या खुशबू, क्या कलर आ रहा है कमाल का माशाल्लाह। कोलों को अच्छी तरीके से दहका लिया गया है ताकि चने जो है ना वो आपकी गर्म रहे, बॉयल हो सके अच्छी तरीके से और आपको फ्रेश चीजें मिल सके। बेचक करें, बहुत ही स्मॉल सा सेटअप है लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो मंडी में हर बंदे को जिसने टेस्ट किया भा रहा होता है। मेरे साथ मौजूद है हुसैन साहब जो के यहाँ पर नाश्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। हुसैन भाई मुझे ये बताएं कि आप ये लाहौरी नाश्ता पॉइंट पे कब से आ रहे हैं? मैं तकरीबन जब से ये बना है तब से ही आ रहा हूँ। जब से ये बना है तब से आ रहा हूँ। क्या टेस्ट दे रहे हैं, कैसा टेस्ट? यानी कि ये बिल्कुल घरेलू जैसा टेस्ट है। हाँ बिल्कुल अच्छा खान, मतलब जैसे घर में बन रहा होता है। सेम सेम वही है, तकरीबन मुझे 8-9 साल हो चुके हैं यहाँ सब्जी मंडी में। मैंने ऐसा नाश्ता पहले नहीं दिया यहाँ पे। पहले इतने फूड पॉइंट है यहाँ पे, 10-15 फूड पॉइंट है लेकिन उसमें सबसे अच्छा यही है। हाँ सबसे अच्छा यही है, यहाँ से कर लो यहाँ घर में खा लो सभी एक ही बराबर है। बड़ी बात है, मुझे इमरान भाई बता रहे थे कि वो घर में बनाते हैं चीजें, बड़ी हाइजेनिक चीजें बनाते हैं, ये चीजें कन्फर्म है। हाँ बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? इनके चने हैं, इनके कोफ्ते भी हैं। चने और कोफ्ते ज्यादा पसंद करता हूं। हाँ ये मैं खा लूँ तो घर में खा लूँ एक ही बराबर है, बिल्कुल लाइट है ना, तो मेरे पे कोई साइड इफेक्ट है किसी किस्म का नहीं है। सफाई भी बिल्कुल सही है, सफाई भी अच्छी है। मुझे ये 10 मिनट से नंबर देना है, 10 बहुत अच्छे हैं, 0 बुरे हैं, दरमियान भी नंबर दे सकते हैं। 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा इसे। 10 नंबर हुसैन साहब ने अखीर कर दिया, सच्चे शख्स है। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपके लिए मार्क्स याद रखे जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब ये सामने चेक करें, गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ड्राइवर हजरात जब यहाँ से फ्री होते हैं तो अभी ये अनलोडिंग वगैरह कर रहे हैं बहुत सारे, वहाँ पर भी चेक करें वो ट्रक वगैरह खड़ा हुआ है, अनलोडिंग कर रहे हैं एप्पल वगैरह की। जब ये यहाँ से फ्री होते हैं उसके बाद ये यहाँ पर आकर नाश्ता करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं, ये हम हलीम है, ये दलीम यहाँ पर बनाई हुई है, बिल्कुल घर जैसा इन्होंने माहौल दिया हुआ है। एक कलर चेक करें, जैसे ना वो प्योर देसी माहौल टाइप जो इन्होंने दिया हुआ। आए हाय 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 हाय, बहुत ही कमाल के चने जो के ये स्पेशल बना। आए 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 नौरी चने है, क्या बात है जी, बहुत आला माशाल्लाह। ये कोफ्ते हैं सादा सादा से कोफ्ते हैं, आप ये चेक करें, बिल्कुल जो है ना वो ग्रेवी बहुत ही ग्रेवी के साथ आपको दिए जा रहे होते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम हियर। अच्छा नाश्ता इस तरह मौजूद है, साथ ही ये अंकल एक लस्सी वाले खड़े हुए हैं। लस्सी जो है ना वो आपको प्योर कैफे चावल के दही की साथ में जो है ना वो बना के दी जा रही होती है। और भाई का क्या हाल है, एक एक चीज ढांकी हुई है, हाइजेनिक फूड देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा तो एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ये चेक करो जी, बहुत उमदा जी, ऐसे खालस किस्म के कर्ड की ना लस्सी बनाई जाती है। ओए 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 ओए, बर्फ के बगैर लस्सी बिल्कुल अधूरी है, इसलिए बर्फ का डिक्री किया जाता है। ओ आई ये बाहर लस्सी है, कई बाहर लस्सी। जस्ट चेक द फोकस के अंकल का कितना फोकस है, और वो जो है ना वो मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। यही स्ट्रगल होती है आपकी, जो आपको जो है ना एक हैवी किस्म की फूड प्रोड्यूस करने में मदद कर रही होती है। मोहम्मद इकबाल साहब बेसिकली 19 साल से लस्सी लगा रहे हैं, वो इमरान साहब खड़े हुए हैं, वो 8 साल से नाश्ता लगा रहे हैं, वो भाई 10 से 12 साल से चाय आप पिला रहे हैं। सारे जो है ना यहाँ पर जेंट्स खड़े हुए हैं, मतलब ये एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, तो दूध भी ऐड कर रहे होते हैं थोड़ा, अलावा पानी होता है थोड़ा सा और बाकी इसमें प्योर दही होता है। अच्छा एक चीज जो है ना वो मैं रेट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आपको चने और हलीम का रेट मिलेगा 100 रुपए का नाश्ता, और उसमें जो है ना वो 2 ब्रेड होती है घर की बनी हुई,
ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आप चिकन से बने हुए आइटम या साथ में ले रहे होते हैं कोफ्ते वगैरह 130 रुपीज का नाश्ता, और ये अंकल आपको लस्सी का ग्लास दे रहे हैं जस्ट 80 रुपीज में। भाई कौन कहता लस्सी पियो, ना पियो लस्सी, अगर लस्सी नहीं पी तो ना पियो, आपको क्या है। यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी दी जाती है, चाय मिल रही होती है आपको जो है ना वो गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ ले लें। अगर आप चाय के शौकीन है तो यहाँ पर आए, आपको ये प्यारे भाई दे रहे हैं हाय 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 हैवी किस्म की पत्ती के साथ बनी हुई चाय, क्या बात है जी। अगर नाश्ते में चाय, अच्छा मैं बहुत बोल रहा हूँ जी, आप चेक करो लैचियां पाक है ना है, क्या बात है भाई। साथ में नाश्ता करें, केक रस ये पड़े हुए हैं, फ्रूट केक पड़े हुए हैं, आप यहाँ पर आए भाई को ऑर्डर दें और इनकी चाय पिए, क्योंकि ये चाय को ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने का कप चाय का भाई? 60 रुपए का चाय का कप, मेरे को 30 रुपए की भी दे सकते हैं आप। 30 रुपए की भी बनना नहीं आना चाहिए, चीज बस पीने वाला होना चाहिए। रश चेक करें आप यहाँ पर नाश्ते पे और लस्सी पे, खास कर कितना रश मौजूद है माशाल्लाह। पार्सल तैयार हो गया है, आप ये चेक करें, जितनी ऊपर करके डालेंगे उतनी चाय की झाग कमाल पे बनती है। हाय 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 हाय, मैंने कहा चने टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है ना नाश्ते का टाइम तो है, थोड़ा हम चने इनके टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। लॉरी है क्या साथ का बात ये ने? पहली बात कलर जो है ना वो बड़ा यूनिक है, लग रहा है जैसे काली मिर्च में बनाए होते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट बाइट ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ये चेक करें, बिस्मिल्लाह से बड़ा कमाल का टेस्ट है, मिल नहीं रहा, मतलब माइंड में आ नहीं रहा ऐसा टेस्ट कि मैं रेलिवेंट इसको रेलिवेंट जबरदस्त दे सकता हूँ, बन नहीं रही बात का। बड़ा अच्छा टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, मतलब आजी का बाप ऐसा टेस्ट अभी तक मैंने चना बना लिया है, जरूर बहुत अच्छे वाले हैं। ये डिफरेंट है, ये वाला ना थोड़ा यूनिक टेस्ट है, थोड़ा सा इनका है क्लासिक सा टेस्ट है। ये चेक करें, चनों का नेचुरल टेस्ट आ रहा है, लाइक नेचुरल टेस्ट नहीं होता, जो चनों का अपना टेस्ट होता है वो आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत कमाल का। फूड की रेटिंग मैं अपनी तरफ से करता हूँ तो इसको मैं 9 देने वाला हूँ, 10 में से 9 है इसके नंबर। चने बहुत अच्छी है, लेकिन जो उनकी ग्रेवी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये ग्रेवी बहुत कमाल की है। तो ये चेक करिए, बच्चा जो है वो रायता रायता यार रायता खाना हमें चटनी है, स्पेशल किस्म का रायता है, हाय 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 पूरा दही है जनाब, खा लो, क्या ही बात है क्या ही बात है। तो दही दे रहे होते हैं छोटा सेटअप है, सपोर्ट कीजिएगा जब भी यहाँ से कभी गुजरे आप यहाँ पर आए। ये चाय वाली भाई को खड़े हुए साथ में, इस नाश्ते को बिल्कुल लीजिएगा आप, बहुत ही अच्छा नाश्ता है, बड़ा अच्छा फूड पॉइंट है, बड़ा एक ना सुपर सा टेस्ट है इसका। और ये अंकल की लस्सी है, इनो जो है ना फूड पॉइंट, इसको हम लाजमी टेस्ट करना। यहाँ पर एक वंस अगेन जो है ना वो अंडा चने जो है ना वो लगाए गए जा रहे हैं, ये आप चेक करें, अंडे के ऊपर जब चने ऐड किए जाते हैं, ग्रेवी मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत फाल की है, और ये नाइस कॉम्बिनेशन है। ये प्योर नाश्ता आपका आ गया है देसी रोटी के साथ, जो कि सर्व करने के लिए तैयार है। टीम का ऑर्डर आ चुका है, अभी जो है ना वो माशाल्लाह से टीम को जो है ना वो सर्व किया जा रहा है। 100 रुपीस में आपको दो रोटियों के साथ ये सालन मिल रहा होगा। बैठने के लिए बेंच वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर आप बैठ कर अपना उधर इसका फूड इंजॉय कर सकते हैं, और ये अंदर भी जो है ना ये चाटे पड़ी हुई है, और यहाँ पर भी जो है ना और टोपियाँ मार कर बैठ के फूड इंजॉय कर सकते हैं। ये जो है ना इनकी टीम का नाश्ता है, बिल्कुल चेक करें कितना कमाल का है, ऑयल ऊपर हैवी एडिशन किया हुआ है, साथ में प्याज ब्राउन किस्म के और गर्मा गर्म रोटियां, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। अभी यहाँ से मूव ऑन करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।